अच्छा मैं बीमार रहती हूँ। मम्मी बीमार रहती है, दवाइयों का खर्चा वर्चा कैसे निकलता है सारा आप करते हो? मैं गुजरात में डालता भी रहता हूँ चोरी चोरी। अरे बाबू कैसा है? बढ़िया। क्या नाम है? शिवम। शिवम शिवम ठीक है। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? पांचवी। फिफ्थ क्लास में? अच्छा पांचवी क्लास में। और भाई बहन आपके? मेरी बहन है, भाई है, वो छोटी हुई। वो भी पढ़ते हैं दोनों? वाह। मम्मी पापा क्या काम करते हैं? फिर पापा नहीं। पापा? अच्छा पापा नहीं है। और मम्मी क्या काम करते हैं? मम्मी तो काम नहीं करने देते। मम्मी को काम नहीं करने देते तुम? क्यों? अच्छा नहीं लगता मम्मी काम करे। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। और 10 साल की उम्र मम्मी को काम नहीं करने देते? वैसे क्यों नहीं करने देते मम्मी को काम? मेरी माँ की तबीयत खराब ज्यादा रहती है। अच्छा मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है तो इसलिए काम नहीं करने देते। यार तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी बड़ी समझदारी वाली बातें किसने डाली है कि मम्मी को काम नहीं करने देना, मम्मी की तबीयत खराब रहती है? किसने सिखाया? नहीं चल के देखना होना देवी। जोर से बोलो बाबू क्या कह रहे हो आप? मेरे घर चल के देखना होना देख लो। आपके घर चल के देखो कि मम्मी आपकी काम नहीं करती बिल्कुल भी, ये कह रहे हो? अच्छा मैं बीमार रहती हूँ। मम्मी बीमार रहती है? मम्मी फिर दवाइयों का खर्चा वर्चा कैसे निकलता है सारा आप करते हो? मैं गुजरात में डालता भी रहता हूँ चोरी चोरी। अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया मेरे को तो बात सुनकर। गुल्लक में चोरी चोरी करके डालते रहते हो? चोरी चोरी चुपके। अच्छा चोरी चोरी चुपके चुपके गुल्लक में डालते रहते हो? वाह यार आप तो बहुत ही समझदार हो। दिखाना मुझे आपके बलून्स। आपके बलून्स तो बहुत प्यारे। कितने का एक बेच रहे हो? 20 का एक। अच्छा ज्यादा सस्ता नहीं है 20 रुपए का एक? सही है यार, लेते नहीं बोलते हैं। अच्छा 5-5 रुपए का। अच्छा ये भुजिया कितने की है? 10 की। और ये बैग में और भी सामान है? वाह तुम कितनी कमाई करते हो दिन की ये बताओ पहले। 100-200 रुपए दिन के। तो 100-200 के हिसाब से तो यार आप महीने का 3-4 हजार रुपए कमाते हो? नहीं फिर क्या भी कमाता हूँ, कोई कोई 500 भी देता है, फिर कोई 50 भी देता है, 100 भी देता है। अच्छा वाह यार आप तो 10 साल की उम्र में इतने सारे पैसे कमा लेते हो, क्या बात है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मम्मी को काम भी नहीं करने देते क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती है। ये सारी बातें समझदारी वाली किसने आपके दिमाग में डाली है, मतलब किसने समझाई है? मैं फोन में सुनता रहता हूं। फोन में सुनते हो? किस पे? YouTube पे? पक्का? YouTube पे क्या डालते हो सर्च में? मैं डालता हूं मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं कोई दवा का इलाज कराता हूं। अच्छा 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 तो YouTube पे डालते रहते हो माँ की तबीयत खराब है ऐसा कुछ करके। तो उसमें आपको YouTube पे क्या सिखाया जाता है? Facebook पे YouTube पे क्या? मेरी मैम ना खुद भेजती रहती है फोन पे रात में। अच्छा आप 10 साल के हो पक्का है? अच्छा ये सारा सामान जो आपने ले रखा है कितने का है टोटल पैसे? ये टोटल 500 के मेरे गुब्बारे। 500 के गुब्बारे? मेरे 200 के हैं। तो 700 बाबू 500 के गुब्बारे कैसे हो गए? तो दो गुब्बारे। अच्छा बैग में दिखाओ मेरे को एक बार खड़े होके। कितना मस्त प्यारा सा बच्चा यार। अभी नहीं बता रहे इसको कैमरा लगा है, इसको माइक के बारे में नॉलेज नहीं है अभी। वाह उसने सारे गुब्बारे, क्या बात है। तो 500 रुपए के आपके गुब्बारे है और 200 रुपए की भुजिया, तो टोटल कितने हो गए? 500 और 200? 700। अच्छा फिफ्थ क्लास में समझदार तो बहुत हो तुम है ना, पढ़ाई करते हो इसलिए समझदार हो। आपकी बहन पढ़ाई करती है? वो कौन सी क्लास में? मैं तो वन टीचर है। अच्छा टीचर है। और दूसरा भाई? वो मेरा भाई उसका ध्यान कम है पढ़ाई में। अच्छा तो उसको समझाते नहीं हो तुम की पढ़ाई करनी चाहिए? समझाते मगर मारता है। मारता है? बड़ा है? छोटा। चलो कोई बात नहीं, भाई बहन में तो लड़ाई होती रहती है, हमारे बीच भी होती रहती थी। मेरा भाई है ना वो भी मुझे मारता रहता था, मैं भी उसको मारती रहती थी। कोई बात नहीं, तुम तो बड़ी प्यारी स्माइल है तुम्हारी तो, लेकिन तुम ब्रश नहीं करते हो बिल्कुल भी, तुम्हारे सारे टीथ येलो हो रखे हैं। करते हो ब्रश? स्कूल वाली टीचर ये नहीं सिखाती कि ब्रश करके आना होता है डेली स्कूल? मैम को पता ही नहीं। मैम को पता नहीं है? मेरे को तो देखो पता लग गया, मैं तो टीचर भी नहीं हूँ कि तुम्हारे सारे दांत येलो येलो हो रहे हैं, डट्टी फैलो। नहीं कितनी प्यारी स्माइल है इस लड़के की, सच में पीले दांत भी अच्छे लग रहे हैं इस लड़के मेरे को। अच्छा तुम ये बताओ, ये तुम्हारा सारा सामान 700 रुपए का है, अगर तुमसे कोई भगवान का फरिश्ता आ गया, इंसान बना के भेज दिया और वो तुम्हारे सारा सामान ले ले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तो सोचता हूँ कोई मेरे को ऊपर वाला है, मेरे को कुछ भी खुशी दे। अच्छा खुशी देगा मुझे? अच्छा तुम्हारे पास अगर भगवान ने तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दिया मान लो, तो तुम क्या करोगे इस पैसे का? जैसे कि आज मेरे को पैसा दिया, चलो मैं अपनी माँ की दवा गोली जो जो आती है
सारी ले आऊंगा जोड़ के। अच्छा, दवाई लाके मम्मी को ठीक करोगे? तुम्हें अपने लिए क्या करोगे फिर, या पहले माँ के लिए करोगे? माँ के लिए, मेरी माँ पहले, हम बाद में। अरे वाह, क्या बात है लड़के, कितना प्यारा है तू। वाह, मतलब तुम्हें इतनी ज्यादा समझ है कि मम्मी मम्मी से बढ़कर कुछ नहीं होता, माँ से बढ़कर हमारी दुनिया में हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमारी माँ है। बाप भी नहीं है, इससे अच्छा तो कोई बाप भी नहीं है, माँ से अच्छा है ना। माँ कपड़े धोके देती है, खिलाती है, पिलाती है, खाना बना के देती है, है ना, सारा काम भी करती है। तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना, हमारी माँ को मेडिसिन लेके, हम लोग दवाई लेके माँ को जल्दी से ठीक कर दे। अच्छा मान लो अब मैं तुम्हें बोल रही थी, अगर तुम्हारे पास सबसे पहले पैसे आ गए तो तुम्हारी अपनी माँ का इलाज करोगे ना, तो तुम्हें क्या लगता है दवाई कितने तक की आ जाएगी माँ की? मेरी माँ की आ जाती है 1 महीने में 2000 की दवाई। 1 महीने में 2000 की माँ की दवाई आ जाती है, ठीक है 2000 रुपए की। और लेकिन बाबू तुम्हारे ये जो सामान है ये तो 700 रुपए का है, इसका क्या करे? इतने तो मैं रख लेता हूँ, पहले अपनी जमा करता हूँ। अच्छा फिर मेरे 6000। अच्छा वाह, क्या बात है, पहले माँ प्रायोरिटी पे माँ के लिए रखते हो पहले, है ना। तो चलो मैं एक काम करते हैं, ये पकड़ो एक इसको, एक काम करते हैं, देखते हैं कि मेरे बैंक में कितने पैसे निकलते हैं, जितने निकले तुम्हारे बताओ ना, खुशी मिल जाएगी फिर पक्का। एक काम करते हैं, देखते हैं मेरे बैग में कितने पैसे निकलते हैं इस लड़के के लिए। ये 2, 4, ये 6, ये 6000 रुपये मेरे बैग में निकले हैं। थैंक यू। मतलब तुम्हें यकीन हो गया मैंने तुम्हें दे दिए पैसे हैं? अच्छा लग रहा है, अब क्या करोगे इससे? जैसे कि 1 महीने की दवा है, हाँ मैं पहले दवा लूँगा, फिर ये आधे रख दूंगा, घर का घंटा चलता है, फिर ये माँ को दे दूंगा। माँ को 2000 रुपए दे दोगे और 2000 की दवाई ले आओगे ना, और 2000 रुपए टाइगर रख दूंगा। अच्छा जरूरत पड़ी तो काम तो आ जाएगा। हाँ सेविंग्स है ना, बचत करना पैसों की, पता है हम लोग अगर पैसों की कदर करेंगे ना तो करेंगे तो वो बहुत आगे पहुँच जाएंगे। हाँ बहुत आगे पहुँच जाएगा, और फिर पैसा भी कदर करेगा। अगर हम पैसों को ठुकराएंगे ना कि हम हमारे पास आज मान लो 6000 रुपए आ गए और ज्यादा से ज्यादा हमने पैसे खर्च कर दिए फालतू की चीजों में, तो वो पैसा भी एक दिन हमारी कदर नहीं करेगा। पर तुम बहुत ज्यादा समझदार हो इसलिए पैसों की कदर करना, 2000 रुपए मम्मी को दे देना खर्चे पानी के लिए, 2000 रुपए तुम अपनी गुल्लक में डाल देना, और 2000 रुपए से माँ की दवाई ले आना, ठीक है? अच्छा लग रहा है मुझसे मिलके, पता तो है मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सामने कैमरा लगा रखा है मैंने, वो देखो बाबा हिडन कैमरा लगा रखा है, मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। मैं तो देख रही थी कि ये बच्चा कितना ज्यादा समझदार है, लेकिन तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, और जहाँ पे जितने लोग देख भी रहे ना उन सबका दिल जीत लिया तुम्हारा, तुमने। अब तो तुम्हारी ये भुजिया बिके ना बिके कोई टेंशन नहीं होगी ना, पक्का खिलाओ फिर एक भुजिया, दोनों एक भुजिया हम साथ में खाएंगे, ठीक है? इतना प्यारा बच्चा, इतना ज्यादा समझदार बच्चा मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। 10 साल की उम्र कितनी होती है, 10 साल की उम्र में उसको ये पता है उसकी माँ से बढ़कर उसके लिए कोई नहीं है, और ये हकीकत भी है। थैंक यू, ये लो खाओ, ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे साथ भुजिया को एंजॉय करूंगी। अभी तुम क्या खाओगे ये बताओ, कुछ तो मेरे को। तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वापस सामने हाय कर दो कैमरे में, हाय बोलो, दीदी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, फॉलो भी कर दो। दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, कितना प्यार है यार। मेरे को एक हक कर लो तुम्हें, हक पता है क्या होता है? क्या होता है? हक मतलब होता है बॉडी। क्या? बॉडी, बॉडी बनाना। नहीं बाबू, हक करना मतलब गले मिलना। आ जाओ माँ का दवाई ले लेना, ठीक है? अगली बार मैं सीपी आऊंगी ना पक्का तुमसे मिलूंगी। नाम क्या? शिवम। तुम्हारा शिवम, ठीक है मुझे याद रहेगा अच्छे से, ठीक है?